सिडनी में भारतीय टीम को नहीं मिला सही खाना। अभ्यास के लिए 42 किलोमीटर दूर जाने के लिए कहा गया। जाने खबर विस्तार से। पाकिस्तान के खिलाफ मेलबर्न में ऐतिहासिक जीत के बाद उसे वहां नीदरलैंड के खिलाफ अपने दूसरे सुपर 12 मैच में खेलना है। यह मैच 27 अक्टूबर को खेला जाएगा। मुकाबले से पहले टीम इंडिया सिडनी में टूर्नामेंट के आयोजकों से नाराज है। दरअसल भारतीय खिलाड़ियों को प्रैक्टिस के बाद ठंडा खाना परोसा गया, वहीं उसे अभ्यास के लिए 42 किलोमीटर दूर जाने के लिए कहा गया। खिलाड़ियों ने इतनी लंबी यात्रा करने से मना कर दिया। समाचार एजेंसी ANI ने BCCI सूत्रों के हवाले से बताया है कि टीम इंडिया सिडनी में अभ्यास के बाद दिए जाने वाले खाने से खुश नहीं थी। भारतीय खिलाड़ियों को उनके अभ्यास सत्र के बाद गर्म भोजन नहीं दिया गया। खाने के मेन्यू में एक सैंडविच शामिल था। BCCI के एक सूत्र ने कहा, टीम इंडिया को जो खाना दिया गया वह अच्छा नहीं था, उन्हें सिर्फ सैंडविच दिया गया। उन्होंने ICC को भी बताया कि सिडनी में अभ्यास सत्र के बाद दिया गया खाना ठंडा था और अच्छा नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद T20 वर्ल्ड कप के दौरान भोजन उपलब्ध करा रही है। हैरानी की बात है कि ICC दोपहर के भोजन के बाद कोई गर्म भोजन नहीं दे रही है। द्विपक्षीय सीरीज के दौरान खाने का इंतजाम मेजबान की ओर से होता है। BCCI सूत्र ने यह भी बताया कि टीम इंडिया अभ्यास सत्र में भी भाग नहीं ले रही है, क्योंकि उन्हें होटल से लगभग 45 मिनट की दूरी पर 42 किलोमीटर दूर ब्लैक टाउन में, जो कि सिडनी से सटा हुआ शहर है, अभ्यास करने की जगह दी गई। ICC के सूत्र ने इस मामले पर कहा है कि सभी टीमों को खाने का मेन्यू पहले ही बता दिया गया था। अगर उन्हें समस्या थी तो पहले बताना चाहिए था, फिर भी इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। भारत के पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग इस मामले पर खुद को बोलने से नहीं रोक पाए। उन्होंने ट्विटर पर कहा, वे दिन चले गए जब लोगों को लगता था कि पश्चिमी देशों में अतिथियों का स्वागत है। अब इस मामले में भारत अधिकांश पश्चिमी देशों से आगे है। आपका इस बारे में क्या सोचना है, कमेंट में बताएं। क्या भारतीय टीम के साथ भेदभाव हो रहा है? अगर हो रहा है तो आपका रिएक्शन इस पर क्या है? ऐसे ही वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।